हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आ रहा है चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। और भाई कल वीडियो नहीं डाली थी, कल यार थोड़ा सा काम ज़्यादा था, उस वजह से भाई वीडियो नहीं डाली, तो सॉरी। तो आज भाई मैं दोपहर के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और थोड़ी देर बाद भाई फिर से ड्यूटी पर जाना है। तो मैंने सोचा चलो यार फ्री बैठा हूँ तो फिर वीडियो ही बना ली जाए। रात को पता नहीं फिर से भाई टाइम लगेगा कि नहीं, फिर आप बोलोगे भाई वीडियो रेगुलर नहीं डालते हैं। तो भाई पूरी कोशिश रहती है कि पूरी रेगुलर वीडियो आए, इसकी वॉल्यूम कम कर लेते हैं। ओके, तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं भाई, आज जो काम हमें करना है भाई, आज है जो घास काटना है हमें। तो अपना घास है वैसे 100% तो नहीं रेडी हो चुका है, वैसे 80% तो रेडी है। तो कोई नहीं भाई, चलते हैं जल्दी जल्दी। ओके भाई, फ्लैशर वगैरह जला दिया हमने। ओके, लगाते हैं भाई इसका पहला ही, और सामने देख सकते हैं भाई इम्प्लीमेंट पड़े हुए हैं, तो ये लगाएंगे इसके साथ 855 के साथ अपना भाई मन पसंदीदा ट्रैक्टर। यार आपको मैं भाई बता दूं कि अपना एक वो ट्रैक्टर बन रहा है जो आपने बोला था कि जोंडियर का क्या नाम था उसका भाई, निशु डैश दसबाल भाई कुछ नाम है भाई का। तो आपकी मतलब कि रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई उसको बनाओ, थोड़ा सा मैं आपको मैं दिखा दूँ। शायद मैंने बाय नहीं किया मेरे ख्याल से अभी तक, नहीं मेरे ख्याल से भाई नहीं, अभी पावर ट्रैक आ गया नहीं है भाई, मेरे ख्याल से मैंने डाला नहीं इस पर अभी तक इसमें, तो पता नहीं भाई, बाद देखेंगे उसको भी। चलो लगाते हैं जल्दी जल्दी इसको, पहले हमें घास काटना है, उसके बाद जो देखते हैं आगे। लग गया तो भाई पीटीओ से, ईटीओ लगानी पड़ेगी, मैन्युअली पीटीओ लग गई, हाइड्रोलिक वाला नहीं लगा। चलो कोई नहीं, चलते हैं, कैमरा भी अंदर से कर लें। ओके दूसरा लगा दिया हमने गियर यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल यार अभी भी काम पे जाना है, बस आधा घंटा रह गया, आधे घंटे से मैं वीडियो बना के 4:46 हो चुके हैं, 5 बजे, 5, 5:30 बजे जाऊँगा भाई काम पे, वैसे 5 बजे का टाइम है। अरे यार ये तो अटक जाएगा मेरे ख्याल से भाई, ये तो काफ़ी बड़ा है यार, फॉल्ट नहीं होता क्या भाई? फॉल्ट भी होता है पर हो गया फॉल्ट भाई, देखा नहीं मैंने। चलो कोई नहीं, हो गया फॉल्ट तो। इतना बड़ा भाई कौन लेके जाए रोड पे से? और देखो भाई इसके हवा से वो भी हिल रहे हैं पर्दे। भाई डेक का जो पूरा गंदगी से भरा हुआ, ये लो भाई हो गया साफ एक ही बटन से। तो ये है भाई अपना खेत, तो भाई अनफोल्ड कर दिया, ये है घास का अपना खेत। तो अपने एनिमल्स भी रखना स्टार्ट कर देंगे भाई अब। थोड़ा सा आगे करके करते हैं भाई इसको सेट वेट करके पहले। ओके यहाँ से करते हैं स्टार्ट भाई इसका। लो भाई हो गया स्टार्ट, तो देखते हैं घास कटता है कि नहीं। तो लो भाई घास कटना स्टार्ट हो चुकी है, पहले हाई में हमने रखा ट्रैक्टर को, अंदर से बैठ के देखते हैं भाई थोड़ा सा। हॉर्न इसका नॉर्मल है, तो जितना भाई रूटावेटर का साइज है उतना ही इसका है, ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये भाई साइड में से भी काट दे रहा है घास, जो पैसे एक्स्ट्रा लगा ना उसको भी भाई चूरा मूरा कर रहा है देखो। चलो अच्छी बात है भाई, घास भी साफ हो जाएगा और अपने को भाई जानवरों के लिए भी हो जाएगा। तो बाद में भाई इसमें हम फेर देंगे वो क्या बोलते हैं एडर भाई, क्या नाम, ओ, ओ, ओ। छूट गया भाई, मैं गलती से यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो फेर देंगे जिससे इकट्ठा हो जाएगा माल सभी।
भाई ब्लेड बहुत तीखे हैं, पीछे को चला रहा हूँ, पीछे मतलब कि चूरा बना रहे हैं भाई पूरा। यहाँ से घुमा लेते हैं भाई। ओके तो खेत भाई ज़्यादा नहीं यार, 3-4 कनाल जगह है यार, इतना मतलब कि अपने हिसाब से जानवर रखेंगे ना, फिर कोई खर्चा पूरा नहीं होगा। फिर अभी भाई स्ट्रॉ भी चाहिए, स्ट्रॉ भी किसी की देखनी पड़ेगी, कोई बंदा बुला ले बस फसल काटने के लिए, बीट वगैरह होगी वो। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई स्टेयरिंग व्हील कहाँ से मिलेगा, भाई इंडिया में देख लो अगर मिलता है कहीं तो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसका मिलना, तो आप कोई भाई इंटरनेशनल ऑनलाइन भी जा सकते हैं भाई, अलीबाबा हो गया, जो भी अमेजोन हो गया, तो अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता तो फिर भाई थोड़ा सा मुश्किल है इसको मिलना, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक नहीं आते हैं भाई इसके। और स्टेयरिंग व्हील बताऊँ तो ठीक ठाक है भाई, ये भी नहीं कह सकता कि भाई घटिया है, ठीक है भाई, आपके सामने है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब थोड़ा बहुत तो फ़र्क होगा ना भाई महंगे व्हील से और ये सस्ते व्हील में, क्वालिटी का थोड़ा सा फ़र्क है और कुछ नहीं। और जिस बंदे ने भाई लॉजीटेक का चलाया और वो ये चलाएगा उसको खुद पता लग जाएगा कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है। अभी मैंने लॉजीटेक का नहीं चलाया, उसको भी लेंगे यार घर में जाके जब भाई अपना सेट वेट हो जाएगा काम। अभी तो भाई यहाँ का गुजारा नहीं हो रहा यार, अभी तो यहाँ के खर्चे नहीं पूरे हो रहे भाई, यहाँ के ही खर्चे नहीं होते पूरे। और ना यार मॉडिफाइड करना पड़ेगा भाई ट्रैक्टर का। और भाई अगली छुट्टी तक अपना नीसू देसवाल, क्या नाम है भाई देसवाल, उसका भी ट्रैक्टर आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, तो मोड़ भी मिल जाएगा उसका भाई, उसका ज़्यादा कुछ नहीं भाई, 2-4 दिन में दे दूंगा बनने के बाद। और नूर उपल का भी आपको दे दूँगा भाई 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले ही, वैसे मकसद मेरा भाई 1 लाख सब्सक्राइबर पर था, अब मेरा भाई यूट्यूब से इतना मतलब कि मन ख़त्म हो चुका है कि भाई क्या बताऊँ। भाई पता नहीं यार मेरे क्यों नहीं यार इतनी, क्या छोड़ो यार, ओके भाई लो भाई। तो यहाँ से हमने जो कर दिया भाई ख़त्म यहाँ से का काम, और यही खेत था भाई अपने पास, और तो खेत नहीं है, इसको कर लेते हैं अनफोल्ड और जलते हैं भाई, अपना ट्रेडर से लेके आते हैं वो। अंदर से चलाते हैं भाई इसको, ये भाई आना था आ गया। ओके भाई यार मेरा मोबाइल है यार चार्ज नहीं होता कभी कभी, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है यार, अभी काम पे जाना भाई मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा यार, तो उसी को देख रहा था मैं।
ये देखो भाई फिर से गड़बड़ कर रहा है यार। चलो कोई नहीं, ओके भाई अब मुड़ेगा नहीं पूरा मेरे से। भाई लिफ्ट नीचे रखी है और ये अनफोल्ड हो रहा है, मेरे ख्याल से खुलेगा ही ऐसे। ओके खुल गया, तो कलेक्ट भी करेंगे भाई इसको, हे भी बना सकते हैं, पर हम हे नहीं बनाएंगे यार। ये लग गया, इसकी पीटीयू लगी, तारे तारे इशारे भाई, इसकी हाइड्रोलिक ही नहीं लगती पता नहीं क्यों। चलते हैं जल्दी जल्दी खेत में। यह चला, इसको अनफोल्ड यहाँ से कर लेते हैं। तो छोटा सा भाई ये भी इकट्ठा करे, मेरे ख्याल से ये हे बनाने वाला है यार, मैंने गलती से ले लिया। चलो कोई नहीं, हे बना लेंगे भाई, साइलेज वगैरह भी बन जाएगा इसका आराम से ही। हाँ भाई वो ही है, हे वाला ये हे बना देगा भाई घास की, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे बनती है भाई ये हे। चौथा हाई किसने लगा दिया यार, मैंने लगाया भाई। ओके ये लगा दी लिफ्ट और ये भाई अब बनेगी हे। तो एक मिनट बता दूं भाई, पहले ये ग्रास, अरे ये ग्रास है अब मेरे ख्याल से, ये हे अभी तक वो नहीं भाई दिख रही है। चलो कोई नहीं, ये देखो भाई ये कभी कभी आ रहा है कभी कभी नहीं आ रहा। ये देखो भाई ये बीच बीच में आ रहा है यार, अब कहाँ आएगा फिर से, ये देखो। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे यार उसके बाद बनने के बाद कि ये हे बन रही है भाई। अब इसको बिखोर के छोड़ेगा ना भाई तो हे बन जाएगी, घास की ये बनती है। हे का प्राइस थोड़ा सा हाई है, जल्दी जल्दी बनाए भाई हे, और इसको इकट्ठा करना पड़ेगा फिर जाके लोड करना पड़ेगा। ये भाई ट्रैक्टर की कटाई मैंने खुद मॉडिफाइड की है, वैसे इतना करता नहीं है फार्मिंग सिमुलेटर में कोई भी, ट्रैक्टर की कटाई इतनी नहीं है क्योंकि भाई इसके बिना काम भी नहीं चलता यार, छोटे छोटे मोड़ पे मोड़ना पड़ता है ना ट्रैक्टर। फिर थोड़ी जैसे ही न्यू होलैंड है भाई घर पर खड़ा है, उसकी कटाई बहुत ज़्यादा कम है यार, मतलब कि इतना घूमता है, एक मिनट आपको दिखाऊँ तो वो इतना घूमता है बस। तो यहाँ देख सकते हैं भाई कहाँ से मुझे मोड़ना पड़ रहा ट्रैक्टर, वो देखो वो वहाँ से फेरा छूट गया। अगर मैं दिखाऊं आपको भाई इसकी कटाई कितनी है, अरे यार भाई बिखर गया। अब देखना भाई इतनी ही जगह में, ये जैसे ब्रेक पर टायर मोड़ते हैं ना भाई, ये देखो इतनी सी जगह पे मुड़ जाता है ट्रैक्टर, इसका ये फ़ायदा है। तो भाई इनसे मैं यहाँ से मोड भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे पीछे बताया था कि भाई ये 270 डिग्री भी बन जाता है, 270 भी बन जाता है, 900 डिग्री भी। तो थोड़ा सा स्टीयरिंग घुमाऊँगा भाई बहुत सारा घूम जाएगा, ये देखो इससे ज़्यादा नहीं हो घूमेगा,
ये देखो पूरा घूम गया, ये रेसिंग के लिए काम आता है ये। पर अगर आपको भाई दूसरे की आदत है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको भाई, क्योंकि आप एकदम मोड़ते हो ना तो ये जल्दी मुड़ जाता है। ये देखो ये रह गया, ये देखो कीबोर्ड से भाई बढ़िया। अगर आप तो दूसरा देते हो ना 160 डिग्री वाला, वो इतना ही घूमता है, इतना इतना घूमेगा इधर को इधर को, वो भी सही है कीबोर्ड की जगह से तो भाई सही है गेमिंग वगैरह खेलने के लिए। बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखो इतना मोड़ेंगे तो भाई इतना मोड़ेगा, इतना मोड़ेंगे तो बटन। अगर मैं भाई कीबोर्ड से खेलूँ, ये कीबोर्ड से खेल रहा हूँ अभी, तो अब मुझे थोड़ा सा मोड़ना तो भाई मुझे ऐसे करना पड़ता है। ये देखो अब जैसे कोई मोड़ काटना है तो भाई मुझे बार बार दबाना पड़ता है स्टीयरिंग, ये तो सीधा हो जाता है। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ भाई कीबोर्ड से क्या मसला होता है, और कोई मसला नहीं भाई कीबोर्ड से दबाना पड़ता है बार बार भाई की। अब देखना मोड़ काटना है तो भाई मुझे दबाना पड़ेगा, ये दबाया ना ठीक है तो ये सीधा नहीं होगा। देखो इधर को जैसे लंबा मोड़ है तो भाई यहाँ पे मुझे पकड़ के रखना पड़ता है ऐसे 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 करके भाई मोड़ना पड़ता है। अगर ज़्यादा दबा के रखूँगा तो मुझे ज़्यादा मुड़ जाएगा, नहीं दबा के रखूँगा तो भाई मुड़ेगा नहीं। अब स्टीयरिंग से भाई जहाँ पे हैंडल लॉक करोगे वहाँ पे रुक जाता है, ये देखो यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो इसका ये फ़ायदा भाई। अब देखो यहाँ पे रुक जाएगा इतनी इतनी पोजीशन पे, उसे रुकता नहीं भाई, दबा के रखोगे वो घूमेगा, छोड़ोगे वो फिर से ही आ जाएगा। ये तो लो भाई अपना आज का काम हो चुका है ख़त्म, एक आधा गेड़ा लगा लेते हैं, फिर इसको कलेक्ट करेंगे और घर में ले जाएंगे, फिर स्ट्रा का कुछ इंतजाम करेंगे, फिर जानवर ले आएंगे अपने। तो ये रोड पे भी पड़ा है थोड़ा सा भाई घास वगैरह, इसको भी सही कर लें। ओके तो भाई मेरे ख्याल से तो हो चुका है तकरीबन, फोना शोना देख लेते हैं एक बार जाके। ये रह गया ओके, लो भाई यहाँ से तो कर दिया ख़त्म। ओके तो चलते हैं घर और आज की वीडियो भी करते हैं ख़त्म यहाँ से। और भाई ये मक्के का खेत का भी ऑर्डर आ गया, इसको भी रूटावेटर फेरना है, हल और रूटावेटर फेरना है भाई, बाद में सुहागा फेरना है, तो बीज वगैरह भी मेरे से लगवाने हैं उसने। ओ तेरी भाई ये मेरे दोस्त के घर में घुस गया, ये फोल्ड नहीं होता है, नहीं होता है यार फोल्ड ही, हाँ होता है भाई, पर छोटा सा था भाई मेरे से ही नहीं कंट्रोल हुआ। लो भाई आ गए घर पे, तो ये लगा दी लिफ्ट, और कल करेंगे हम अपना भाई कलेक्ट स्ट्रा और घास वगैरह। तो आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में बताओ, और मिलते हैं भाई जल्दी और ऐसी नई वीडियो लेके, तब तक जय बंदे मातरम।